दोस्तों, अगर आप भी जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी को दुनिया का सबसे खतरनाक गेंदबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ मैच में 5 विकेट उखाड़कर मोहम्मद शमी ने बयान देते हुए अपनी पत्नी को लेकर भावुक मन से ऐसा बयान दिया जिसे सुनकर आप भी मोहम्मद शमी के सच्चे फैन हो जाएंगे। तो आखिर भारत को यादगार जीत दिलाने के बाद मोहम्मद शमी को क्यों आई अपनी पत्नी हसीन जहां की याद? क्या कुछ उनके बयान में भूल गए जिसे सुनकर पूरा क्रिकेट जगत खिलाड़ी को सलाम कर रहा है? क्यों जीत के बाद भी भावुक हो गए मोहम्मद शमी? है सब कुछ आपको अपने इस वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, जसप्रीत बुमराह मोहम्मद शमी में कौन है दुनिया का सबसे खतरनाक गेंदबाज? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, 12 साल बाद वानखेड़े के मैदान पर श्रीलंका और भारत आमने सामने हुई और इस मुकाबले में श्रीलंका के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले टीम इंडिया को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया और भारतीय बल्लेबाजों ने श्रीलंका के गेंदबाजों को तहस नहस करते हुए 50 ओवर में 357 रन का विशाल लक्ष्य रख दिया। टीम की तरफ से शुभमन गिल ने 92 रनों की पारी खेली और विराट कोहली ने 94 गेंद पर 88 रन बनाए और अंत में श्रेयस अय्यर ने खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए तूफानी अर्धशतक जड़ा। टीम के लिए 56 गेंद पर 6 गगनचुंबी छक्के, 3 चौके की मदद से 82 रन बनाए और रवीन जडेजा ने भी 24 गेंद पर 35 रनों की पारी खेली। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका की टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। मैदान पर एक भी बल्लेबाज ज्यादा देर तक टिक नहीं सका। पहले जसप्रीत बुमराह ने ओवर की पहली गेंद पर विकेट चटकाए तो मोहम्मद सिराज भी रुकने का नाम नहीं लिया और आते ही उन्होंने एक के बाद एक कुल 3 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाकर श्रीलंका की टीम की कमर तोड़ दी। वहीं अंत में मोहम्मद शमी ने घातक गेंदबाजी का नजारा दिखाते हुए एक के बाद एक कुल 5 बल्लेबाजों का विकेट उखाड़ कर फेंक दिया और श्रीलंका टीम को शर्मनाक हार दिला दी। भारतीय टीम इस मुकाबले को बड़ी आसानी से जीत लिया। भारत की जीत के बाद पूरे स्टेडियम में जश्न का माहौल छाया हुआ था, वहीं दर्शक भी जश्न में डूबे हुए थे। इसके बाद मोहम्मद शमी को मैन ऑफ द मैच चुना गया। मैन ऑफ द मैच चुने जाने के बाद मोहम्मद शमी को अपनी पत्नी हसीन जहां की याद आ गई। उसके बाद उन्होंने बयान देते हुए ऐसे शब्द कह डाले जिसे सुनकर हर किसी की आंखें नम हो गई। चलिए अब आपको बताते हैं मोहम्मद शमी ने ऐसा क्या कुछ कहा हसीन जहां के लिए। मोहम्मद शमी ने रोते हुए नम आंखों से अपनी पत्नी के लिए बयान देते हुए कहा, इस चीज से बेहद खुश हूँ कि हमारी टीम एक यूनिट की तरह गेंदबाजी कर रही है और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मैंने शुरू से ही अच्छे एरिया पर गेंदबाजी करनी चाहिए और मुझे उसका नतीजा मिला है। बाल को कैसे सेव और स्विंग करना है, वानखेड़े के पीछे से मुझे सपोर्ट भी मिला, लेकिन यह सब नहीं हो पाते यदि मेरे साथियों ने मेरा साथ नहीं दिया होता। मैं उन सबको मेरी सफलता के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। केवल इतना ही नहीं, अपनी पत्नी को तंग करते हुए उन्होंने कह दिया कि मुझे यह भी पता है कि कई लोगों ने मुझे बर्बाद करने की कोशिश की, मेरा करियर क्या, मेरी जिंदगी भी लगभग समाप्त कर दी थी और अब जब मेरी तरक्की हो रही है तो उन्हें देखकर जलन हो रही होगी, लेकिन यही तो लाइफ होती है, सबकी बदलती जरूर है। आज वह बर्बाद हो चुके हैं और मुझे लोगों का इतना प्यार और समर्थन मिल रहा है, इससे बड़ी खुशी मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकती। मैं अपने फैंस को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने हमेशा मुश्किल मोड़ पर मेरा साथ नहीं छोड़ा। आप सबके बिना मैं कुछ नहीं हूँ। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से मोहम्मद शमी ने अपने पत्नी को लेकर बयान देते हुए करोड़ों फैंस का दिल जीत लिया। लेकिन अब आपको क्या लगता है, टीम इंडिया के साथ कौन सी टीम सेमीफाइनल में बनाएगी जगह? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी शानदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।